हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ लेवल 6 का, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसमें जो है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कोई जज ही नहीं कर सकते कि करंट अफेयर क्या है और स्टैटिक जीके क्या है। और जनरल साइंस के तो कोई नामो निशान नहीं, एक दो क्वेश्चन जनरल साइंस के थे, जैसे बायो के दो क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री के भी एक दो क्वेश्चन आए थे। बाकी लेवल बहुत हार्ड था और 90 से 95 के गुड अटेम्प्ट होगा। जो लोग भी 90 से 95 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं वो समझिए कि उनका अगर 90 से 95 सही हो रहा है तो वो सेफ स्कोर रह सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपका जनरल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 90 से 95 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ का आपको मैं बता रहा हूँ। वो बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है उसको आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो है रास्ते में हूँ, आप लोगों का एक एग्ज़ाम एनालिसिस का एक सेंटर से ही मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत शोर हो रहा है बैकग्राउंड में। तो जनरल कैटेगरी का 90 से 95 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो सेफ स्कोर है। और OBC का अगर आप स्कोर कर रहे हैं 85 से 90, OBC का इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 85 से 90 जो है आपका एक गुड स्कोर होगा। और SC का मान लीजिए, आप SC कैटेगरी का 75 से 80, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है SC कैटेगरी का। और यहीं पे ST की मैं बात करूँ तो ST का जो है 65 से 70, ST कैटेगरी का 65 से 70 कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है तो आप लोग उसको ध्यान ना दीजिएगा। और मैं भी बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, और लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन जो आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे गए थे। EWS का कट ऑफ भी 90 के आसपास ही रहेगा। और क्वेश्चन जो पूछे गए थे, एक आपका गोला था जो हेमी स्पेयर, उसका आयतन आपसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन था। एक क्यूब दे दिया गया था, उसका मेन डायगनल दिया हुआ था, क्यूब का मेन डायगनल दिया था, उसका जो है आपसे वॉल्यूम पूछा था, आयतन पूछा हुआ था। गोवा को जब कब स्टेट राज्य, मतलब एक राज्य का दर्जा दिया गया, वो सन आपसे पूछा हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और हेपेटाइटिस ए का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, कि किस अंग से रिलेटेड है, तो वो लीवर से है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे गए थे कि 90 से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते आपका टाइम ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके कट ऑफ आपका जो है 95 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकता। 90 से 95 जनरल का कट ऑफ आ सकता है और 85 से 90 जो है OBC का कट ऑफ रहेगा। क्योंकि मैंने जो है कई छात्रों से जो है रिव्यू लिया, वो लोग एकदम परेशान हो गए थे एग्ज़ाम को देख के, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और जो है CISI का तो बहुत टफ क्वेश्चन था ना, सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें 10 लोगों को उसने बैठा रखा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और ये जो है बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था। और मुझे लगता है कि रेलवे जो है छात्रों को केवल परेशान करना चाह रही है और इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करके। तो ठीक है, इस तरह की वीडियो आप लोगों को बराबर मिलते रहें किसी भी एग्जाम के एनालिसिस के लिए, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और परेशान ना हो। अगर 90 आपका अटेम्प्ट है तो आप लोग लगभग सेफ जोन में हैं और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी जो है 100 क्रॉस नहीं कर पाए। एक आधुका बच्चे जो है 100 क्वेश्चन के ऊपर जा पाए थे। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसका मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और थोड़ा शोर हो रहा है। तो ठीक है, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।